पिस्तौर, तो वहां से अपने जो है नन्ने नन्ने दीवाने आए हैं अपने। ट्रैफिक बहुत हो रहा है आज, याद यहीं से मुझे ट्रैफिक मिल गया घर के बाहर से। किच्छा किच्छा से अपने जो है 5 मिनट का काम है, बड़ी बड़ी खींच के चल रहे हैं। अरे यार देख लो यार, अब सही है पैर में, सही हो रहा अब। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अपने जो है नहा धो के हो गए हैं रेडी, अपने जा रहे हैं दरा रुद्रपुर तक, उसके बाद अपनों ने जाना है सितारगंज। बस निकल ही रहे थे उससे पहले कि हमारा जो घर है लालपुर में, वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर दूर क्षेत्र पड़ता है शिमला, शिमला पिस्तौर। तो वहाँ से अपने जो है नन्ने नन्ने दीवाने आए हैं अपने। तो दोस्तों ये बच्चे कल भी आए थे, मम्मी बता रही थी। तो क्या क्या बोल रहे थे बाबू, कल आए थे? कल कितने बजे आए थे? 6 बजे आए थे शाम को। उससे पहले भी आए थे या करेक्ट 6 बजे? उससे पहले कितने बजे आए थे? 2:30 बज रहे थे, 2:30 बज रहे थे। ठीक है, तो कौन मिला था उस टाइम? उस टाइम हमें मिले थे आंटी। आंटी मिली थी, क्या कह रही थी मम्मी? आंटी कह रही थी हमें आज सुबह जाना है, नहीं कहीं गए हैं। मैं उसी टाइम निकला था, मैं बरेली गया था। फिर उसके बाद 6 बजे आए थे। हाँ। फिर तब कौन मिला? अंकल। क्या कह रहे थे? अंकल ने कहा उनकी जेब में हो। हाँ मैं उनकी जेब में हूँ बाबू। और फिर घूमने निकल जाते तो पता नहीं है। अच्छा पापा ने कहा घूमने निकल जाते तो पता नहीं है। और मम्मी क्या कह रही थी? आंटी कह रही शाम को आना। शाम को आना, तो फिर शाम को तो तुम आए नहीं फिर उसके बाद, क्योंकि लेट हो गया था। मैं रात को खुद ही 10 बजे करीब आया हूँ। ठीक है, अभी मैं कहीं निकल रहा था, अभी तुम फिर आए हो। और तुम इतनी दूर से पैदल आते हो? स्कूल आते हैं फिर उसके बाद ट्यूशन आ रहे थे। फिर भी यार बाबू इतना तगड़ा हाईवे पड़ता है, रोड पड़ता है, इतना तगड़ा हाईवे। गाँव गाँव से भी आओगे तो रोड तो हाईवे तो पार करना ही पड़ता है, बीच में हाईवे पड़ता है, एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए तो रोड को पार करते हैं तो उनके साथ हम लोग कर लेते हैं। चलो लेते हैं। चलो नहीं, ज्यादा अनजान बंदों से लिफ्ट नहीं लेते। ठीक है, जो अपना नॉन पर्सन होता है उसी से लेते हैं। ठीक है, और बाकी मतलब इतनी दूर मत आया करो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आशु भैया तो देर ही रहते हैं, तुम जब मर्जी आके मिल सकते हो, लेकिन क्या कहते हैं ऐसे इतनी दूर दूर से रोड क्रॉस करके मत आया करो, बीच में हाईवे पड़ता है, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए कर दो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अपने कुछ ही देर में जो है निकलते हैं, फिर आपको देते हैं न्यू अपडेट। रुद्रपुर पहुंचना है, जरा जाना है अपनों को दिनेशपुर तक, अपने भैया से थोड़ा सा काम है 10-15 मिनट का, वो निपटा के अपने फिर जाएंगे सितारगंज। सितारगंज अपनों को थोड़ा सा काम है। तो दोस्तों नन्ने फैंस को किया हमने अलविदा, और जो है हम घर से जो है निकल चुके हैं अपनी जर्नी पे। हमने जाना है बहुत जरूरी काम से दिनेशपुर भैया के पास। हमारे साथ जूनियर जी जिम जैम जिमी बूम, और अपने जो है लगभग निकल गए हैं रुद्रपुर में। यार ट्रैफिक बहुत हो रहा है आज, याद यहीं से मुझे ट्रैफिक मिल गया घर के बाहर से शिमला से ही। और बाकी रुद्रपुर पहुंच के करते हैं आपसे टच। दोस्तों अपने जो है रुद्रपुर होके आ गए थे, अपने पहुंचने किच्छा किच्छा से अपने जो है 5 मिनट का काम है अपना, वो निपटा के अपने सीधा जा रहे हैं सितारगंज। सितारगंज पहुंचना था बहुत जरूरी, क्योंकि थोड़ा सा काम है अपनों को, वहां पहुंच के आपको देते हैं अपडेट। तो दोस्तों अपन जो है लगभग सितारगंज पहुंच ही गए हैं, पहुंचने वाले हैं, मतलब मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर बचा होगा। अपने गाड़ी बड़ी खींच के चल रहे हैं। तो दोस्तों अपने जो है सितारगंज से निकल चुके हैं, मतलब सितारगंज से थोड़ा सा आगे गए थे, और मौसम इतना औसम हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा नज़ारा कैप्चर कर लिया जाए। अपने जो है यहाँ से निकल चुके हैं, अपने जा रहे हैं घर को। आज कुछ खासा सिस्टम कुछ किया नहीं अपनों ने, आज मेरे साथ वाले सारे खटीमा पहले से ही हैं। कोई दोस्त यार है उसके कोई रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, तो वो सारे लोग उधर हैं, उन्हें पता है मैं देर तक सोता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे जगाया नहीं। अभी कह रहे थे आज मैं जल्दी में था, मैंने पहुंचना जरूरी है, इसलिए मैं गया नहीं। बाकी जो है अपने यहाँ से निकल चुके हैं, उधर पहुंच के करते हैं आपसे टच। दोस्तों तुम्हारा भाई आया था लालपुर, पहुंच गया है, और मैं जो है घर के लिए वो ले रहा हूँ, क्या कहते हैं भैया, इधर क्या कहते हैं इसे, मसाज करने वाले, मसाजर मतलब। अरे यार देख लो यार, अपने पता नहीं क्या कहते हैं, ले बाबू तू दिखा बैक कैमरे पे। मतलब मेरे को मतलब काफी वो लगा है रिलैक्स। ये पैर बिल्कुल मजे आ रहे होंगे।
मैं जो है घर के लिए लेने की सोच रहा हूँ, लेने की सोच कह रहा हूँ, ये मैंने ले ही ली है। थोड़ा सा ना इससे रिलैक्स फील होगा, थोड़ा सा मम्मी अम्मी के लिए भी काम आएगा, ये बढ़िया बढ़िया चीज है। पापा मम्मी के लिए भी ना बहुत यार तबियत तबियत खराब रहती है, या ठंड के दिन आ रहे हैं तो बंदा इसमें 10-15 मिनट रिलैक्स हो लेगा, है ना। इसमें मतलब जैसे पन्नियाँ ले ले, मूव वगैरह लगा के पैर में और उसमें छोड़ दे, बहुत अच्छी मसाज है यार ये, मजा आ गया। जी मैं भैया से मैंने बात तो कर ली थी फोन पे, भैया से मैं बात पहले कर ली थी फोन पे, भैया कह रहे कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, घर पहुंच के आप जो है इसका असली उद्घाटन घर पहुंच के करेंगे। तो दोस्तों अपनों ने जो है फुट मसाजर ले लिया है, अपने जाके घर जो है उसको यूज करेंगे, एक बार देखेंगे कैसा क्या है। मुझे तो मतलब बेनिफिट लगा, बहुत अच्छा लगा, ये अपनों ने लेके पीछे रख लिया है, घर जाके जो है ओपन करके यूज करके देखूंगा मैं, थोड़ा सा मूव लगा के बिल्कुल हाई प्रोफाइल तरीके से। ठीक है दोस्तों, घर जाके अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा आपको कैसा क्या सीन है। तो दोस्तों अपने जो है करने लगे अनबॉक्सिंग, चलो दिखा खोल लाइन से लगा यार जल्दी यार, मैं देखूं जरा इसका यूज करके कैसा क्या सीन है। खोलियो अनिल कर भाई जरा, साइड करे हमारा। अरे लीड दिया उसने नहीं दी इसकी, है इधर रख। मैं जूते तो उतार दूं फिर सही से ही, अब हाई प्रोफाइल तरीके से ही, एकदम हाई प्रोफाइल कह रहा हूँ, मतलब आप जैसे यूज करते हैं वैसे ही करके देखूंगा। तो अपनों ने कर दिया है अनबॉक्सिंग, अपनों ने इसका ले लिया है यूज, तो कैसा कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है, आराम है इससे? नहीं है तो दोस्तों ये मेरी बहन है, इसका नाम है अनीता भंडारी, इसको प्यार से कहते हैं घर में हम सोनी। सही है पैर में, सही हो रहा है अब? इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, हटाना जरा। ठीक है बढ़िया है, मतलब मम्मी बैठना, बैठ के देख जरा कैसा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में कुछ खास था नहीं, अपने जो है आपको बताया था सुबह दिनेशपुर तक गए थे, उसके बाद जो है सितारगंज गए, सितारगंज से नानक मत्ता साइड नानक मत्ता से थोड़ा आगे गए थे, वहाँ से जो है अपना काम निपटा के आए हैं, घर पहुँच गए हैं। फिर अपनों ने एक मसाजर मशीन लेनी थी, फुट मसाजर, वो अपनों ने ली और काफ़ी घर वालों को भी पसंद आई, बहुत अच्छी चीज़ है, अपने जो है काम की चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है, सभी को पसंद आई, सब ने एक एक करके ट्राई किया। तो दोस्तों अब बस आज कुछ है नहीं ज़्यादा करने को, तो आज कुछ स्पेशल था भी नहीं, स्पेशल क्या डेली नहीं होता, जो होता है नेचुरली है, तुम्हें पता है मैं कुछ जान के तो करता नहीं हूँ, जैसा भी होता है मैं अपने हिसाब से अपडेट देता रहता हूँ। और बस यही कहना आया था, इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ आप लोगों से, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट दोस्तों, शुभरात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।